नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूँ प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में। आइए सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, इन्होंने फूलपुर और अनोला उत्तर प्रदेश में ये जगह हैं, यहाँ पे लिक्विड नैनो यूरिया के प्लांट्स को इनॉग्रेट किया है। और ये दोनों प्लांट्स जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 50 मिलियन बॉटल्स पर ईयर, उसमें और एड ऑन करेंगे। तो ये हमने न्यूज़ देख ली। अब हम बात करते हैं नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया इज बेसिकली अ नैनो फर्टिलाइजर, जिसमें नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं जो कि पानी में डिस्पर्स्ड होते हैं। अब अगर सेकेंडली हम इस चीज़ को देखें, ये पूरे तरीके से स्वदेशी है। इट इज़ डेवलप्ड इंडिजेनसली और इफको, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के कलोल गुजरात के प्लांट में बनाया गया है। नाइट्रोजन कंसंट्रेशन की बात करें तो लगभग इसमें 4% है, वेट बाय वॉल्यूम। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें पॉलीमर्स ऐड किए जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें स्टेबल रखा जा सके, और लेकिन इस फॉर्म में रखा जा सके कि उन्हें स्प्रे किया जाए और कोई दिक्कत ना आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नैनो यूरिया के लिए सरकार किसी भी तरह की सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती है। अब यहाँ हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि नैनो फर्टिलाइज़र क्या है। नैनो फर्टिलाइज़र आर बेसिकली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नैनोमीटर स्केल। नैनोमीटर स्केल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक नैनोमीटर बराबर 1×10⁻¹⁹ meters। सिंपल भाषा में बोलें तो एक मीटर का 1 meter को आप जब इतना छोटा करेंगे तब जाके आपको एक नैनोमीटर मिलेगा। और रेफरेंस के लिए बता दूं, ह्यूमन हेयर इसकी जो थिकनेस होती है इट इज अबाउट 50,000 नैनोमीटर। ये ह्यूमन हेयर की थिकनेस होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स के जो मटेरियल हैं वो हार्डली 10-50 नैनोमीटर्स के रेंज में होते हैं। अब क्या बेनिफिट्स हैं वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमने देखा नैनो फर्टिलाइजर्स जो कि नैनोमीटर स्केल के मटेरियल से बने हुए हैं, और इसमें मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों अवेलेबल होते हैं। अब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो मेजर NPK, नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटेशियम कार्बन हाइड्रोजन कैल्शियम, ये कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो तो और भी ज़्यादा हैं। तो ये सारे जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड हैं वो नैनो फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल होते हैं, और ये नैनोमीटर स्केल पर जो मटेरियल्स हैं उससे बना होता है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल में सबसे बड़ा जो इशू है वो है फूड सिक्योरिटी का। अब आप सभी लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ये बढ़ रहे हैं। एग्जांपल के लिए आप देखिए, इंडिया में आपको आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती हैं कि हेल स्टॉर्म यानी कि ओले पड़ जाना, ओले पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई। आपने सुना होगा कई बार। रिसेंटली अभी गेहूं की जब हार्वेस्टिंग हो रही थी उससे पहले दिल्ली NCR में ओले पड़े थे, कुछ लोगों की फसल उसमें ख़राब हो गई। तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से हमारी फसल हर बार ख़राब हो जाती है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर हमारी फसल ऐसे ख़राब होगी तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या है। और ये तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है हमारी पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते हैं ऑब्वियसली। तो जब हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं तो हमें अपने यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे, लैंड की जो लिमिटेशंस हैं। तो जो आरेबल लैंड है, यानी कि वो ज़मीन जिस पे खेती की जा सके, आरेबल लैंड की भी लिमिटेशंस हैं। आरेबल लैंड अगर लिमिटेड है तो इसका सीधा सीधा एक ही आंसर निकल के आता है कि हमें अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए जो अवेलेबल लैंड है
उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा. मींस जो पर हेक्टेयर क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, उसे बढ़ाना पड़ेगा. अगर पर हेक्टेयर, एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसे कहूँ, पर हेक्टेयर अगर हम 1000 kg वीट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें इसे बढ़ा करके कम से कम 1100 से 1200 तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिमिटेशंस देख ली. लैंड लिमिटेड है हमारे पास, अरेबल लैंड, बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है. और इसका लिमिटेशन की एक और भी चीज़ है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए भी कई बार अरेबल लैंड का यूज़ हो जाता है. फॉर एग्जांपल हाईवेज, रोड्स, या फिर पावर प्लांट, या फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी कई बार खेतों में बन जाती हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास लैंड जो है हम बढ़ा नहीं सकते उसे, और इनफैक्ट कई बार तो प्रोडक्टिव लैंड ही चला जाता है हमारा, जो किसी यूज़ का नहीं रह जाता डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से. दूसरा हमने देखा कि हमारी नीड जो है फूड सिक्योरिटी है. पॉपुलेशन हमारी है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, इम्पोर्ट डिपेंडेंट हम हो नहीं सकते, ज़मीन हमारे पास ऑलरेडी कम है. तो हमारे पास सीधा सीधा एक ही आंसर मिला हमें कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. अब प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर है. जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो है वो 40% से भी कम है. अब बिना मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है. तो होता क्या है फिर, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी अगर कम है तो उस केस में सबसे बड़ा इशू आता है ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यानी कि यूरिया और अदर फर्टिलाइजर्स. पंजाब इज द केस, आप देखिए ओवर यूज फर्टिलाइजर्स के कारण वहां पे सॉइल सैलिनिटी ज्यादा होने लगी है. तो फर्टिलाइजर ओवर यूज के भी तो अपने कुछ नुकसान है, और क्योंकि इसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कम है कन्वेंशनल फर्टिलाइजर की, तो फार्मर्स की मजबूरी भी बन जाती है ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करना. अब नैनो यूरिया की अगर हम बात करें तो इसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो है ये 80% तक है, ऑलमोस्ट डबल. अब ऑलमोस्ट डबल है तो फायदे क्या होंगे इसके, ऑब्वियसली सेम क्वांटिटी में हमारी प्रोडक्टिविटी हायर होगी. और क्योंकि नैनो फर्टिलाइजर बने हैं नैनो पार्टिकल से, तो डिलीवरी बहुत अच्छी होगी, यानी कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डिलीवरी है प्लांट के पास वो इजी और अच्छी होगी, इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा. प्लस हम एक और नुकसान से बच जाएंगे, ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजन. ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजन, कई बार जो ओवर यूज होता है फर्टिलाइजर का वो बहकर नदी और नालों में जाता है, रिजल्टिंग इनटू यूट्रोफिकेशन, रेड टाइड एग्जांपल के लिए. अब हम बात कर लेते हैं डीएपी के बारे में, यानी कि नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर. डीएपी इज बेसिकली फॉस्फेट बेस्ड एंड नाइट्रोजन बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलाइजर. हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इफको को ये परमिशन दी है कि नैनो डीएपी का प्रोडक्शन शुरू किया जाए और 2023 में इसे मार्केट में अवेलेबल कराया जाए. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सब हुआ क्यों. हमारे फार्मर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसकी कम से कम हाफ, डीएपी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी कम से कम हाफ हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट कर लेते हैं, लोकल प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कम है. तो इसके लिए इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल नैनो फर्टिलाइज़र डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर इसकी परमिशन दी गई है. अब हम कंसर्न्स की बात कर लेते हैं. नैनो यूरिया के साथ में जो कंसर्न्स एसोसिएटेड हैं, जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, वो क्या हैं. कंसर्न्स में सबसे पहले आता है हेल्थ हजार्ड. अब हेल्थ हजार्ड कैसे है, नैनो यूरिया मीन्स नैनो पार्टिकल्स. नैनो पार्टिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि ये फूड चेन में एंटर कर जाएं, इट मे रिजल्ट इन टू बायो अक्यूमुलेशन. बायो अक्यूमुलेशन हुआ और अगर ये फूड चेन में एंटर कर गया तो ऑब्वियसली ह्यूमंस हैव टू सफर, बिकॉज उनके लिए तो ये टॉक्सिक हो जाएगा ना. तो ये हो गया सबसे पहला हेल्थ हजार्ड. सेकंड कंसर्न आता है फंडिंग. फंडिंग एज इन गवर्नमेंट ने स्पेशली किसी भी तरह की फंडिंग प्रोवाइड नहीं करी है नैनो टेक्नोलॉजी एज वेल एज नैनो यूरिया के लिए स्पेसिफिकली. ये भी एक इशू है और फिलहाल ये इवॉल्विंग स्टेज में है. तीसरा इसका कंसर्न आता है इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस पे अगर बात की जाए तो ये अभी भी एक सवाल है
कि यूरिया को लिक्विड फॉर्म में या फिर नैनो फर्टिलाइजर के फॉर्म में अगर लाया जाएगा तो क्या इसकी एफिशिएंसी, एब्जॉर्बिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? ऐसा जरूरी है क्या? हालांकि इसके कोई बहुत ठोस एविडेंसेस नहीं है इसे प्रूव करने के लिए, तो इसीलिए इफेक्टिवनेस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या गारंटी है कि ये कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हालांकि कुछ रिसर्च बेस्ड हैं ये, लेकिन बहुत सॉलिड और बहुत ठोस एविडेंसेस नहीं है और बहुत लार्ज स्केल पे इसका अभी टेस्ट भी नहीं हुआ है। लेट्स सी देन एप्लीकेशन मेथडोलॉजी। अब बहुत से लोगों का ये कहना है, सीनियर लाइक ऑफिसर्स एज वेल एज साइंटिस्ट का ये कहना है कि सॉइल के थ्रू जो फर्टिलाइजर डाला जा रहा था वो ज़्यादा इफेक्टिव था रादर देन नैनो एज वेल एज लिक्विड यूरिया और फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। लास्टली आता है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स की बहुत पुरानी आदत है कि वो लोग कहीं ना कहीं जो पैकेज्ड बैग में जो फर्टिलाइजर आते थे उन्हें यूज़ करते थे। अब जो उनकी आदतें हैं उसे बदलने में टाइम लगेगा ना, कि वो नैनो यूरिया को और लिक्विड फर्टिलाइज़र को, लिक्विड यूरिया को यूज़ करेंगे, अडाप्ट करेंगे, कितना जल्दी अडाप्ट करेंगे। तो ये सारे हमने कंसर्न्स देख लिए। अब अगर हम बात करें इन कंसर्न्स की, तो फार्मर्स की अगर अवेयरनेस को बढ़ाया जाए तो उन्हें अडाप्ट करने में आसानी होगी और वो थोड़ा जल्दी भी अडाप्ट कर ले जाएंगे ये जो नई टेक्नोलॉजी के नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो यूरिया हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को फंडिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि इन पे जितने भी टेस्ट्स हैं वो इजीली किए जा सकें और इन्हें लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे इनका टेस्ट हो सके, इनकी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इनके आउटपुट का टेस्ट हो सके कि क्या ये इतने प्रोडक्टिव हैं जितने क्लेम किए जा रहे हैं। तो ये हमने देखा नैनो यूरिया के बारे में, हमने जाना कि नैनो यूरिया क्या है, क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या इसके कंसर्न्स हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।